आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाज़रीन देखते हैं आज की अहम खबरें। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवेसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346। चंद्रानगुट्टा पुलिस हदूद में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में एक नौजवान की बरसरे मौका ही मौत वाक़े हो गई। चंद्रानगुट्टा के DLR फ्लाईओवर पर एक नौजवान ब्लड पर चंद्रानगुट्टे से संतोष नगर की तरफ जा रहे थे कि अचानक ब्लड गाड़ी बेकाबू हो गई, जिसके नतीजे में ब्लड गाड़ी से नौजवान नीचे गिर गए और बरसरे मौका ही मौत वाक़े हो गई। चंद्रानगुट्टा पुलिस जाए वाक़े पर पहुँच कर नाश को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया और एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। नाजरीन, तेज रफ्तार गाड़ी चलाने के दौरान ये वाकया पेश आया। अगर हम रफ्तार को कंट्रोल करें तो इससे खुद को भी बचाया जा सकता है और माँ बाप को रंज व गम से भी बचाया जा सकता है। हमारी टीम की जानिब से नौजवानों से खास तौर पर गुजारिश है कि वो रफ्तार पर काबू करें, अपनी जानों की हिफाजत करें, अपनी ज़िंदगी की अहमियत को समझें। जान सिर्फ एक बार मिलती है, जिसकी हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है। MA करंट न्यूज। आदाब जी, करीब करीब हमार को 130 को 120 से 130 को एक फ़ोन आया था। वो इन्फॉर्मेशन क्या बोले तो इधर फ्लाईओवर से उतरते खुद एक DLRL ऑपोजिट में एक एक्सीडेंट हुआ था। वो टू व्हीलर रॉयल एनफील्ड के ऊपर था, उन गिर के स्पॉट डेड हो गया। हम आने के बाद बॉडी उस्मानिया हॉस्पिटल को शिफ्ट करे और उसका इन्वेस्टिगेशन। वो रॉयल एनफील्ड था गाड़ी। कुछ नाम और एज वगैरह? उसका नाम श्रीहरि बोल के पता चल रहा, फिर भी वेरीफाई करना। उसका एज 29 ईयर्स रहता। इज अ रेजिडेंट। हैदराबाद के कोकटपल्ली इलाके में वाकई पार्किंग में 3 बसों को आग लग गई। IDL तालाब के पास पार्क की गई बसों को रात देर गए अचानक आग लग गई। इस मुकाम पर बड़ी गाड़ियों की पार्किंग है। आग लगते ही दूसरी गाड़ियों को वहां से हटा लिया गया, वरना और भी गाड़ियों के आग लगने की जद में आने का खदशा था। 2 फायर इंजनों को तलब करके आग बुझाई गई। आग हादसाती तौर पर लगी या फिर किसी ने दानिशा तौर पर यह हरकत की है, पुलिस इस बात की जाँच कर रही है। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस कायद राहुल गांधी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि छोटे भाई सुबहान अल्लाह तो बड़े भाई माशाल्लाह है। चीफ मिनिस्टर ने असेंबली में बजट पर मुबाहस का जवाब देते हुए कहा है कि दोनों जमातें BJP और कांग्रेस ऐवान में वक्त ज़ाया कर रही है। अडवाणी और कई अहम मसाइल पर मुबाहस नहीं हो रहे हैं, अहम मौजूआत पर बहस नहीं हो रही है, गैर ज़रूरी मामलात पर बात की जा रही है, एक दूसरे की हुकूमत को गिराने की बात की जा रही है। इल्ज़ामात व जवाबात का सिलसिला जारी है, लेकिन मुल्क की मैशियत पर बात नहीं हो रही है। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि जब इलेक्शन होते हैं तो लीडर और पार्टियां जीत जाती हैं, लेकिन अवाम हार जाते हैं। ये इस मुल्क की बदकिस्मती है। KCR ने कहा है कि नरेंद्र मोदी साल 2014 क्यों जीते, क्योंकि कांग्रेस बेअसर हो चुकी है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने रियासत के मुसलमानों को हर शोबे हयात में मुनासिब नुमाइंदगी देने का ऐलान किया है। असेंबली में बजट इजलास के आखिरी दिन अपने तवील खिताब में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा है कि वो मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी के इस बयान से मुत्तफिक है कि हर शोबे हयात में मुसलमानों को नुमाइंदगी दी जानी चाहिए। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने ऐवान में मौजूद मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी को मशवरा दिया है कि वो वजीर तारक रामाराव और वजीर हरीश राव से मुलाकात करें, जो इस सिलसिले में तश्कील करदा सब कमेटी के मेंबर्स हैं। ये कमेटी तमाम तबकात के अफराद को हर शोबे में नुमाइंदगी देने के लिए कायम की गई है।
उत्तराखंड में एक 30 साल डॉक्टर दूल्हे की मंडप में अपनी शादी की फेरे लेते हुए दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। ये अफसोसनाक वाकया रानीखेत गांव में पेश आया। दुल्हन और अपने रिश्तेदारों के सामने और सैकड़ों बारातियों की मौजूदगी में दूल्हे की अचानक मौत से शादी खाने में कोहराम मच गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तराखंड के पथौरागढ़ के डिस्टेंट डॉक्टर समीरा पाध्याय की शादी रानीखेत की सुरीधरगंज में वाक़ धर्मशाला ऑडिटोरियम मुनक़िद हुई। बारात के साथ दूल्हे को शादी खाना ले जाया गया और हर तरफ जश्न का माहौल था। मंडप में शादी के रसूमात के दौरान फेरे लगाते हुए डॉक्टर समीर को अचानक सीने में दर्द महसूस हुआ और वो मंडप में ही बेहोश हो गया, जिसके बाद शादी की तकरीब में कोहराम मच गया। उधर मध्य प्रदेश के दो मुकामात पर फिरके वाराना कशीदगी के वाकयात पेश आए। एक मुकाम पर कुछ शरपसंदों ने एक चर्च को आग लगा दी। ये वाकया बीजेपी ज़ेर इख्तदार हुकूमत मध्य प्रदेश में पेश आया। नर्मदापुरम जिले के चोकापुरा गांव में एक ईसाई का चर्च है। इस गांव में ज्यादातर कबाइली हैं। इतवार की आधी रात को कुछ नामालूम अफराद इस चर्च में खिड़की खोलकर अंदर दाखिल हुए, अंदर की कुछ चीज़ों को आग लगाई, कुछ और चीज़ें तबाह हो गई। चर्च के अंदरूनी दीवारों पर हिंदी में राम लिखा हुआ है। पीर की सुबह मुकामी लोगों को इस वाक़े का पता चला और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात की जा रही है। गुज़िश्ता हफ्ते आने वाले शदीद जलजले ने तुर्की और शाम को नाकाबिले तरफ नुकसान पहुंचाया है। दोनों ममालिक में जलजले से हजारों इमारतें तबाह हो गई। इमदादी कार्रवाइयां ताहाल जारी है। तुर्की में ताज़ा तौर पर एक बार फिर जलजला आया। इतवार को तुर्की के जनूबी शहर कमर मिनहार में इसमें 4.7 शिद्दत का जलजला आया। तुर्की और शाम में जलजले से हलाक होने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। अब तक 34,180 अफराद लुख्मे अजल बन चुके हैं। इनमें से 49,605 अफराद तुर्की और 4,580 अफराद शाम में हैं। जैसे जैसे इमारतों का मलबा हटाया जा रहा है, नाशे निकल रही है। हुक्काम ने इंकशाफ किया है कि 80,000 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। ताहम अक्वामी मुत्तहदा के बैनुल अक्वामी प्रोग्राम के सरबरा मार्टिन ग्रिफ्टन ने कहा है कि जलजले से मरने वालों की तादाद 50,000 से ज्यादा तजावुज कर जाएगी। दोनों ममालिक के अवाम जलजले की वजह से मुश्किलात का शिकार है। कई ममालिक ने तिब्बी आलात और डॉक्टरों की टीमें रवाना किए हैं। कतर 10,000 क्यूबिन फराहम करने के लिए आगे आया है। इस मुल्क की वजारत खारजा ने कहा है कि गुज़िश्ता साल फुटबॉल प्रेपिंग अप के दौरान इस्तेमाल होने वाले कैबिन तुर्की और शाम भेजे जा रहे हैं, ताकि जलजले से मुतासर अफराद इन लोगों को आर्जी रिलीफ फराहम किया जा सके, जिनके घर मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक लारी ने दहशत मचा दी। मेरठ में तेज रफ्तार लारी ने कार को टक्कर मार दी और रुके बगैर 3 किलोमीटर तक कार को घसीटकर आगे ले गई। इस दौरान लारी चंद दूसरे गाड़ियों से भी टकरा गई। इस वाकये के बाद लारी से भागने की कोशिश करने वाले ड्राइवर को मुकाबी लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने बताया कि लारी ड्राइवर शराब के नशे में था। बताया जाता है कि हादसे के वक्त कार में 5 मुसाफिर सवार थे, ताहम ये मामूली तौर पर जख्मी हुए हैं। बताया जाता है कि लारी दिल्ली से आ रही थी। ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है। इसी के साथ नाज़रीन खबरनामा यहीं इख्तिताम पज़ीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाजत दीजिए और हाँ, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।